तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक और फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्सेटिक्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, और हम जो करंट अफेयर्स करते हैं ये कुल मिलाकर के आपके आने वाले सुपर टेट एग्जाम को ध्यान में रखकर ये करते हैं, ठीक है। और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं हम केवल और केवल उन्हीं को कवर करते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं 16 से 17 सितंबर के बीच में जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते थे वो हमने यहाँ पे लेकर के आए हैं। अच्छे अच्छे से मतलब ये देखो, पढ़ने को तो आप एक दिन में 50 प्रश्न वाली क्लास भी पढ़ सकते हो, बट इससे फायदा कुछ नहीं है क्योंकि परीक्षा में कुछ चुनिंदा चीजें ही पूछी जाती हैं। तो ये वक्त आपको वर्डन वाली स्टडी करने की अपेक्षा आपको स्मार्ट स्टडी करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट तो मैं कर ही रहा हूं, बट आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग पहले जितना, ये हर बार होता है जब जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर्स की, पहले तो बहुत जोर शोर से मतलब शेयर वेयर होता है, और उसके बाद में होता ही है कि बिल्कुल मंद पड़ जाते हो आप लोग। तो भाई ये चीजें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आपको रियलिटी में ठीक ठाक लगती है क्लास तो इसको शेयर किया करो, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। तब तो यहां पर विराट कोहली ने हाल ही में एक शॉक देने वाली एक काम किया है, उन्होंने किया गया है कि T20 से कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। देखिए, विराट कोहली से संबंधित प्रश्न भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि ये बहुत ही महानतम खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर के बाद में अगर किसी खिलाड़ी का नाम आता है सबसे ज्यादा तो ये विराट कोहली ही है। तो विराट कोहली ने हाल ही में T20 से कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारत में T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है? विराट कोहली साहब है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखापट्टनम में गांव है जिसका नाम है मज्जी बालासा गांव। यहां पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी गई है। अब इस विद्यालय की खासियत यह है कि इसमें आप लोगों को हम बता दें कि कुल मिलाकर के 320 बेडों का होगा, मतलब कि 320 बेड का एक मॉडल एकलव्य स्कूल होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो क्या लगता है, देखो यहां पर एक चीज और याद कर लीजिएगा आप लोग कि कुल मिलाकर के ये इतना तो हो गया है, ठीक है, और इसमें खर्चा भी काफी ज्यादा आया। तो बस इतना याद कर लीजिएगा आप लोग कि हाल ही में विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में मज्जी बालसा गांव में एकलव्य मॉडल स्कूल को मंजूरी मिली है, ठीक है। अब आते हम लोग आगे, SCO पैसिफ पीसफुल मिशन 2021, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसका 6वां संस्करण हाल ही में हुआ, कहां पर हुआ है? ये रूस में हुआ, रशिया के ओरेन वर्ग में हुआ है। कहां पर? रशिया के ओरेन वर्ग में हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां पे देख सकते हो आप, तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का अभ्यास जो है वो ओरेन वर्ग रूस में समापन हुआ है इसका, ठीक है। और ये 6वां संस्करण था। कुल मिलाकर के ये 12 दिनों का ये प्रशिक्षण, मतलब ये अपने आपस में एक्सरसाइज करते हैं ना, वही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो ये कहाँ पर हुआ? रशिया में हुआ। रशिया में कहाँ पर? रशिया में ओरेन वर्ग में हुआ है, ठीक है। 6वां ये संस्करण था। अब आते हैं हम लोग आगे, ये स्टार बनाने लायक है। लिखा हुआ है कि हाल ही में सैफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अब ये सैफाली जुनेजा आखिरकार हैं कौन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये देख सकते हो आप लोग, ये हैं सैफाली जुनेजा। इनको क्या किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय जो विमान उड्डयन है उनका इनको अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम सैफाली जुनेजा इनका नाम है। तो ये बात आप याद रखें, सैफाली जुनेजा इनका नाम है, ठीक। अब आते हैं हम लोग आगे, नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संसद टीवी को लॉन्च किया। आप यहाँ पर प्रश्नों को देखो, हर एक प्रश्न आप लोग जो देख रहे हो वो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये प्रश्न जो आ सकता है, तो इसीलिए हम वैसे ही प्रश्न कराते हैं जो लगे कि हाँ ये आने की संभावना है, वही पढ़ने चाहिए। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, संसद टीवी का जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, लिखा हुआ कि संसद टीवी आज प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ, लोकसभा व राज्यसभा चैनल का विलय होगा इस पर संसद टीवी के नाम से, ठीक है। एक नया सरकारी चैनल है ये संसद टीवी, क्या है तो बता रहे, ये नया सरकारी चैनल है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। आगे आते हैं हम लोग अब, कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक और कारनामा कर दिया है कि देखो
टाइम्स की जब पत्रिका आती है तो हर बार उसमें प्रभावशाली व्यक्ति की लिस्ट होती है। तो इस बार फिर से हुआ है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है। अब यही नहीं, इस बार अपनी ममता बनर्जी जी ने भी जो है वो करिश्मा कर दिया और इनको भी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह मिली है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं, ठीक है, उनका नाम है आदर पूनावाला, इनको भी जगह मिली है। तो मैं दिखा देता हूं कि टॉप 100 में भारत की तरफ से कुल मिलाकर के 3 लोगों को जगह दी गई है। ये कौन कौन है? ये ममता बनर्जी हैं, ये है नरेंद्र मोदी साहब, और इसके अलावा ये कौन है? ये हैं इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ, जिनका नाम है पूनावाला, को जगह मिली है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हैं, ये लोग हैं, इनको जगह मिली हुई है। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। अब ये कहां पर ये हुई नहीं, क्योंकि ये गूगल मीट की तरह ऑनलाइन मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग था। और ये याद रखना है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की 15वें बैठक थी जिसका वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। अब इसकी थीम पूछी जा सकती है आपसे, इसकी थीम है वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर, वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर इसकी थीम थी। ठीक, इसके अलावा पावर कॉरपोरेशन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। क्या किया है कि यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया किन्ने किया हुआ है, आप देख सकते हो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। और 7 साल के लिए यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत जो है वो कितनी है, वो है 1.841% रखी गई है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा और कुछ यहाँ पे बताने के लिए है नहीं, एक चीज और याद कर लीजिए कि पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1986 में हुई थी। ठीक है, तो और इसकी अगर हम बात करें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष ऑब्लिक प्रबंधक निर्देशक कौन है, ये है आर एस ढिल्लन, इसके जो है प्रबंधक निर्देशक हैं। तो चलिएगा, इतनी चीजें आप लोगों को बस पढ़नी थी। तो आज की ये जो करंट अफेयर था वो यहीं पे समाप्त होती है। और देखो, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि मैं करंट अफेयर बनाता हूँ, देखो अभी ऐसा है ना कि ये अभी तो पेपर आने वाला है नहीं, अभी पेपर आने में आपके 3 महीने और हैं। तो अगर जनवरी में पेपर होता है, जनवरी के लास्ट में भी होता है, तो आप लोगों को दिसंबर तक का करंट अफेयर रटा होना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कितने महीने का करंट अफेयर तैयार करें, देखो करंट अफेयर जितने ज्यादा आप तैयार कर पाओ उतना ज्यादा बेटर है। करंट अफेयर को मेरे हिसाब से, जैसे मैंने खुद की तैयारी के लिए जो कवर किया था, 1 साल से ज्यादा का करंट अफेयर किया था, मतलब कम से कम 12 महीने का किया था। तो आप लोगों को कम से कम 12 से 14 महीने का करंट अफेयर जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि किताब ले ली मार्केट से और 15-20 हजार क्वेश्चन रटा रट लगे, एमसीक्यू ले ली रटा रट, ऐसा नहीं करना है आपको। करना ही देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, या तो आप खुद मेहनत कर लो या फिर हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके को जाकर के आप लोग जो है वो करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, देखिये आप लोगों को हमने बताया कि मार्केट में तो तमाम तरीके की बुक अवेलेबल रहती है। दिसंबर के महीने में आप देखोगे बहुत सारे करंट अफेयर्स पूरे साल की आ जाएंगे। अब बच्चा के दिमाग में ये रहे कि हम क्या करेंगे कि करंट अफेयर को सबसे बाद में पढ़ेंगे, जो ये बात सोचते हैं करंट अफेयर सबसे बाद में पढ़ेंगे, उसी का सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि आप 1 महीने में या 1.5 महीने में पूरे के पूरे साल का करंट अफेयर नहीं तैयार कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि किताब से आप कितना ज्यादा पढ़ोगे, किताब में तो फालतू की चीजें ही बहुत ज्यादा दी जाती है। देख, किताब वालों को तो केवल और केवल मसाला तैयार करना, मतलब उनको दिखाना है कि उनकी किताब इतनी मोटी है करंट अफेयर की। ठीक, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये वाली जो क्लास चल रही है आपकी करंट अफेयर्स की, 1 सितंबर से लेकर के हम जब तक पेपर नहीं होगा तब तक ये करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो तो 1 जनवरी से लेकर के अब तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आपको मैं बता चुका हूं, ये करंट अफेयर्स हम खुद लिख करके किताबों से छांट छांट करके तैयार करते हैं ताकि आपको केवल और केवल जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ना पड़े, फालतू का ना पढ़ना पड़े। तो और इस टाइम पे आप लोगों को फालतू का पढ़ना भी नहीं चाहिए, टू द पॉइंट चीजें पढ़ोगे तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। तो इसलिए अगर आप चाहो तो 1 जनवरी से लेकर के अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपली आप लोगों को करना ये होगा कि 94-56-98-97 पर आप लोगों को संपर्क करना है और यहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जो कि मैंने खुद बनाया, देखो बनाने को तो मैं किसी भी किताब से उठा करके टाइप करा करके आपको दे देता, बट नहीं, हमें आपको टू द पॉइंट मतलब सटीक कंटेंट देना है जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो। आप लोग जानते हैं, जो लोग काफी दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को मालूम होगा कि इन करंट अफेयर्स को बनाने में मेरा लगभग 3 से 4 महीने का वक्त गया हुआ है। हर एक चीज को मैंने खुद पढ़ा और उसमें से छांटा कि ये चीज पूछी जा सकती, वही मैंने आपको कराया है। तो करंट अफेयर्स को करने का एक ही तरीका है बेटा कि आप लोग या तो खुद से मेहनत कर लो, या फिर दूसरा ये है कि स्मार्ट स्टडी आज के टाइम पे ये है कि आप लोगों को टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब वो वाला वक्त नहीं है जब आप रट रहे हो बैठ बैठ करके सारी सारी करंट अफेयर, वो वाला वक्त तो अब नहीं है मेरे ख्याल से, वो वक्त निकल गया है। तो जो करंट अफेयर्स को अच्छी तरह कवर कर लेगा वही सिलेक्शन ले लेगा, और जिसका करंट अफेयर्स नहीं होगा तो वो 69,000 भर्ती में भी लटके थे और इस भर्ती में भी लटकने की पूरी पूरी संभावना है। मैं किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोल रहा, बट रियलिटी है कि विदाउट करंट अफेयर्स यू कांट पास द सुपर टेट एग्जामिनेशन। तो ये बात आपके दिमाग में जितनी जल्दी घुसेगी उतना ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए जितना भी करंट अफेयर्स का कंटेंट है वो हमने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको जो है वो इस नंबर पर संपर्क करके पता कर सकते हो कि इसको आप लोग कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो एक चीज और बता दो, ये तो रही हमने हमारा करंट अफेयर को कराने का एक तरीका है, हमने ये सोचा है कि एक तो हमने आप लोगों को ये तो करा ही दिया है, ठीक है, ये हमने बना दिया है जनवरी से लेकर के अब तक का, तो हम कराएंगे जनवरी से अगस्त तक का, तो हम कराएंगे सितंबर से लेकर के जो आप लोगों का है ना जब तक पेपर नहीं तब तक काम करा देंगे। इसके अलावा मार्केट में जितने भी अच्छे अच्छे किताबें हैं उन किताबों पर बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आप लोगों को कराने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप दो तरीके से अगर हमारे साथ में करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो तो आपको करंट अफेयर्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, इसकी बाधा हम करते हैं, ठीक है। पहला तो आप जो हम नोट थे जनवरी से लेकर के अगस्त तक के वो आप कर डालो, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोगों को जितने भी एमसीक्यूज कराए जाए हमारी तरफ से वो आपको करने, वो सब यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। देखो जिसको केवल और केवल एमसीक्यूज करना है या फिर केवल सितंबर से पढ़ना है तो उसके लिए तो फ्री क्लासेस चली रही है, बट बेटा अगर आपको जनवरी से लेकर के अगस्त तक का कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा 94-56-98-97 पर, ठीक है। मार्केट से भी अगर आप किताब लेते तो भी आप लोगों को कम से कम 300-400 रुपए तो खर्च करने पड़े एक किताब के लिए, कम से कम ईयरली बुक की बात कर रहा हूं। और ये जरूरी भी नहीं है कि उस वो किताब आप लोगों के लिए काम की हो कि ना हो, ये तो भाई किताब खरीदने के बाद ही आएगा मालूम पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ऊपर से आपको उसमें सर खपाना पड़ेगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प हमने ये कर दी है कि हम तो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आप लोगों के लिए थोड़ी सी मदद ये करिए कि हमने करंट अफेयर्स बना दिए, अगर आप चाहो तो इस नंबर पर संपर्क करके आप करंट अफेयर्स के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हो किस तरीके से आप लोग करंट अफेयर्स को ले सकते हो, ठीक है। और बेटा अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जो मुझे बोलनी है कि अक्सर का लोग ये कहते हैं कि सर वो वाले सर भी करंट अफेयर्स करा रहे हैं, आप करंट अफेयर्स करा रहे हो, उनमें और आप में फर्क है क्या? देखो बेटा सीधी बात यह है, हम जो करंट अफेयर्स कराते हैं आप देख रहे हो बिल्कुल सटीक है, टू द पॉइंट है। 2 दिन में हो सकता है कि जिस टीचर को आप फॉलो करते हो वो आपको 80 करंट अफेयर्स या फिर 60 करंट अफेयर्स करा दे, बट आपको मालूम है कि 60 करंट अफेयर्स आप पढ़ने के लिए पढ़ भले लो, 1 घंटा आप लोग अपना बर्बाद कर लो, बट उसमें से जो आपकी परीक्षा जो आपका सुपर टेट वाला जो संस्था है परीक्षा कराता है वो जिस लेवल के प्रश्न कराता है वो लेवल के सारे प्रश्न तो नहीं होंगे ना, हर एक परीक्षा का स्टैंडर्ड अलग होता है। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड अलग होता है, यूपीपीसीएस के लिए अलग होता है, तो उसी तरीके से बैंकिंग का अलग है, तो अपने सुपर टेट के लिए अलग है। अपने सुपर टेट में यूपी स्पेशल पूछी जाती है और बड़े बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स पूछे जाते हैं जिनके आने की संभावना। अगर आपको मेरी बात सच नहीं लग रही तो आप 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर उठा करके देख लो, जहां पर आप लोगों को केवल और केवल वही क्वेश्चन देखने को मिले जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे हैं उस साल में,
तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको वही कंटेंट कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा सटीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, ये फर्क है। और आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को पूरे साल के 15,000 प्रश्न तैयार करने, एक सर है जो 50 प्रश्न कराते हैं एक दिन में, साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है, 15,000 से अधिक प्रश्न तैयार करने, या फिर आप लोगों को लगभग 3,000 या 4,000 प्रश्न जो हम आप लोगों के लिख करके हमने प्रोवाइड करे हैं वो तैयार करने, तो फैसला आपके पास में है, आपको निचोड़ चाहिए या फिर आप लोगों को पूरी किताब अपने दिमाग में डाल ली। देखो ये तो आपका अपना फैसला होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। देखो जैसे मैंने तैयार किया था, मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग मुझसे ही बेटर तरीके से नंबर लेकर के आओ, और जितना मैंने खुद की एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा उतना मैं आपके लिए पढ़ करके पढ़ा रहा हूं। मुझे कहने में कोई भी वो नहीं है कि मैं पढ़ता हूं उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाता हूं। देखो टीचर वही अच्छा होता है जो पहले खुद पढ़े उसके बाद में पढ़ाए, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ये आप मानो चाहे ना मानो वो आपके ऊपर है। और अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू रहे तो आप लोगों को शेयर करना होगा प्लीज, ठीक है। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप करंट अफेयर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स आप लोग मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के मेरे द्वारा बनाए हुए, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।